कोई बनवाते बनवाते बेहोश हुआ है? तुमने तो कहा था तुम नहीं कराओगे। वो क्या हुआ बंदा? अरे ईस्ट तो इस साइड होता, तो इधर क्यों करवा? क्यों लिया उड़ता तीन कांड से। तो गाइस वेलकम बैक टू अ व्लॉग्स अगेन। कैसे आप लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, क्लियर आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम कुछ ऐसा करतब दिखाने जा रहे हैं जो मैंने 3-4 साल पहले सोचा था, मैं आज तक करवा नहीं पाया। हम जा रहे हैं फर्स्ट टैटू के लिए, मेरे और इस भाई के सेकंड। और मेरा फर्स्ट टैटू देखो, मैं 4 साल से सोच रहा था कब बनवाऊं क्या बनवाऊं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनवाऊं। मतलब मुझे ऐसा भी कुछ चाहिए था कि जिसे मैं देख के बोर ना हो जाऊं। तो मैंने बहुत सोचा और जो सोचा हुआ था वो भी 1 साल पहले स्क्रीनशॉट लिया था कि भाई ये बनवाऊंगा, और उसको भी 1 साल हो गया। फिर उस पर सोचा कि अरे बनवाया जाए कि नहीं बनवाया जाए, बहुत मेहनत लगी। और मैं सीरियसली मैं दोस्तों कह रहा हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी 6-7 टैटू बनवा लिए। मैं बोल रहा हूँ भाई, टैटू बनवाने से पहले ना ध्यान देना, पहली बात तो कि परमानेंट है, तो कुछ ऐसा मत बनवाना जो आपको बाद में लगे कि यार ये तो टट्टी है। तो बहुत सोच समझ के करना। और हम दोनों भाई सेम टैटू करवा रहे हैं। तीसरा भाई भी करवाने वाला था, हरामखोर भग गया वो। ठीक है, तो पहले तू बाद में मैं। पहले आप नहीं सर, पहले आप। और एक तो ये घर पे बता के नहीं आया टैटू को, मैंने भी नहीं बताया घर पे, मैं तो सीधा दिखाऊंगा। मैं बताता, मम्मी कहती क्यों इन चक्करों में पड़ रहा है, दुखी होगा, दर्द होता है, ये वो। मैं सीधा बनवा के दिखाऊंगा, मैं तो छिपाऊंगा यहाँ, दिखाऊंगा नहीं। तब बताया था तूने, बोला था, क्या बोली माँ? भाई मना कर दिया, सीधा मना, सीधा कि नहीं। शर्म नहीं आई भाई? थोड़ी बहुत आई, मेरे को तो इसलिए मना किया था, ये तो बता दो मैंने कि ये बनवाऊंगा माँ के लिए। हाँ तो भी मना कर दिया, सेवा कर लिया ना बुढ़ापे में। ये टैटू बना के दिखा रहा है। और एक और चीज, जो लोग मुझे कहते हैं आपकी थार सही होगी, एकदम सही हो गई, पर किस्मत इतनी टट्टी चल रही है ना, ये देखो आप, ये क्रैक दिख रहा है शीशे में, यहाँ पे दिल्ली में आया क्रैक, अभी मत बोलना ट्रिप पे है, यहाँ पे है। मैं राहुल के बर्थडे से आ रहा था, एक पत्थर आके लगा शीशे पे, मैंने कहा अरे यार बस शीशे पे ना लगा, और रात की बात थी, बस मैं प्रे कर रहा था कि शीशे पे ना लगा, और वो शीशे पे लगा, और 2 दिन बाद मुझे क्रैक दिखा। वाओ बढ़िया क्रैक, एक नंबर का। नुकसान की घड़ी तो पास चल रही है मेरे, एक साथ साथ टक 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 करती हुई चल रही है कि बेटे पीछे हूं मैं तेरे। कौन बजा रहा है? ये पुलिस का हुटर किसने? ये ग्रामीण सेवा वाला पुलिस का हुटर कैसे बजा रहा है भाई? चलो भाई चलो। मोटे हो गए भाई, यहाँ में पहले भी आया था टैटू बनवाने, बनवाने भी किसी और का बनवाने आया था, जैगो का। टैटू बनवाने कहाँ है टैटू? अरे जैगो का बनवाने आया था भाई, पहले ना इसके बनाना है, तो पहले इस पे ट्राई कर लो, अगर कुछ भी उल्टा सीधा होता है, दर्द होता है, तो पता चल जाएगा मुझे कितना होता है। भाई हमें बनवाना है यहाँ पे टैटू कलाई पे, और बहुत प्यार से कह रहे हैं हाँ दर्द तो होगा, हल्का फुल्का होगा ज्यादा। ये टैटू होगा अपना एंकर है, सिर का कंपास टाइप का, पहले इस पे बनाओ भाई। भाई दो जने हैं ना, दोनों इकट्ठे बैठ जाओ भाई, साथ ही करवा दोगे? चलो भाई बढ़िया है। तेरा पता चले, तेरा जोनी भाई से बनवाऊंगा। जीनी भाई, जोनी भाई कहाँ से आ गए? नहीं करूंगा बेशक सीधा आंसू आ जाए। ये भी होता है, चलो भाई ये हमें तो बता दिया, तुम ध्यान रखना, तुम्हारा टैटू आर्टिस्ट कर दे काम, इसी से होती है बीमारी भाई, यही तो मेन खेल है। नहीं लोग, अरे नॉर्मल वाले तो लगा के बैठे होते हैं पहले से ही, बहुत हो गए तो जाते हैं। मैंने देखा मशीन पहले से रेडी रखते हैं, मतलब अगर मैं कोई ब्रेसलेट पहनूं तो हल्का फुल्का दिखे, वो अच्छा लगे। यहाँ पे रख, आप क्या सोचते हैं कहाँ रखा जाए? थोड़ा और अच्छा रखना है तो मेरे हिसाब से तो यहाँ साइड में, साइड में, मैं कह रहा हूँ सेंटर में रखना, बिल्कुल बीच में। हाँ फिर पैटर्न रखना, तब देखता हूँ सेंटर में साइड में। कलर केंटर नहीं होती ये वाला करके? अच्छा ये ऐसे रखना है, ऐसे रखना है? नहीं ऐसे ही जाएगा, आरों से उल्टा हो जाएगा, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही अच्छा लगेगा, दिखेगा भी हल्का फुल्का साइड से भी, साइड से भी दिखेगा, बीच में बहुत वो लगेगा। हिडन सा ये कह रहा है, सेंटर साइड बोल, जल्दी बोल, मुझे क्या पता, तू बता ना तुझे क्या भाई, आपको मतलब भाई कौन सा लग रहा है? भाई कह रहे हैं साइड, भाई ने सजेस्ट किया साइड, तो साइड ही करा देना फिर, छोड़ दर्द भी कम होगा, मेरे को आना सवाल दिक्कत ही लग रही है। ऐसा ना लगे अलाइनमेंट तो सेंटर जाते थे, साइड हो गई, पता चलना चाहिए साइड ही टैटू बनवाया सेंटर में। अरे थैंक यू सो मच, ट्रेस ही करना ना इस पे, ट्रेस कर दो गाइस, देख लो जो भी हमारे साथ ट्रैवल करना चाहता है उसके पास टैटू होना चाहिए। अभी मेरे पास और अमित के पास हो जाएगा, राहुल तेरे पास नहीं है, अगली बार टैटू बनवा के आइयो। अमित के पास हो जाएगा, ये कब बात हुई थी भाई? अमित तू नहीं करवा रहा? ना ना। अरे मशीन चलने के बाद बताइए बात, सोच ए धक धक हो रहा है भाई। घर वालों को तो बता के भी नहीं रहा ना, उनको पहले टेंशन हो जाती, करे कोई चीज बनवाने की, टैटू है तो बचपन से तब ये कहते थे गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, टैटू। अब गवर्नमेंट जॉब बस की नहीं हमारे,
तो बर्बाद हो जाते हैं। कहते थे आर्मी में नहीं जा पाएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी कैसे करेगा क्रैक। सही बात है। तो तेरे भाई ने पूरी हिम्मत दिखाई थी भाई, चीटी खाट रही है। हाँ वो तो अलग है, ये इधर दो का लास्ट, इससे ज्यादा नहीं होगा। नहीं पागल है मुझे। बच गया मेरा मन कर रहा है भाई कोई। तू कैमरा देख ना, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है, कैमरा देख के बात करना। अरे मेरा मन कर रहा है कि मैं ही साथ चीनी भाई की टांग आ रही है, टैटू मां बन रहे हैं, नहीं देख रहा। भाई आप तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे ना। हां भाई पता चले। मैंने एक वो मीम देखा था, वो बनवाने जाता है ड्रैगन, घोड़ा बना देता है उसके। इनमें जो है नहीं होता कौन था इंसान था, टैटू आर्टिस्ट था उसने। फेमस हुआ था वो। हां फेमस सुनना चाहोगे? और मैं भगवान की दुआ से जैसा चल रहा है वैसे ही फेमस हुआ। मैंने घड़ी बना दी, सोचना कंपास की प्रकार बना दिया, मैच वाला कंपास बनवाना। वो क्या हुआ बंदा, प्रकार बना दिया, वो नहीं होता आर्क लगाने वाला, ऐसे बना ही बनवा के छोड़ दूंगा। ऐसे कुछ है नहीं। अरे चार देख ले, मजा आ गया। एन डब्ल्यू ई एस जो उनसी बनी उसके कह दो तेरे नाम को पैसा। अब हुआ है ना, अब हुआ मीठा मीठा दर्द। कुछ करके आए हैं, पावर और लेके आए हैं कुछ। चीटी काट रही है वो, कोड़ा लेती बार चीजा डर तो है भाई। लोग बड़े टैटू कैसे बनवा लेते हैं, कोई बनवाते बनवाते बेहोश हुआ है? नॉर्मल है मतलब, पहले बेहोश किया है बाद में बेहोश हुआ, मतलब वो टैटू बनवाता बनवाता बनवाते। हाँ भाई क्या बात होगी, हो रहा है दर्द हो रहा है भाई हल्का हल्का। अरे भाई बता रहे हैं कि एडिक्शन होती है टैटू, एक बार ही बनवाने लगे फिर रुकता नहीं इंसान। इससे वाहियात भाई, ये चूतिया बंदा है, टैटू बन गया उसके बाद कह रहा है चूतिया लग रहा है। अबे पेन से तो ना बना हुआ, रेजर से मिटा लूंगा इसे। अब तो भाई बन गया, चलो भाई मिलते हैं अपने कल के व्लॉग में। सो गाइस ऐसे जब आपको कैमरा मिलता है ना, तो सबसे पहली चीज होती है आपकी कि अपने YouTube को बढ़ावा दे। चला जा बहुत, तो अभी हो गया ऑलमोस्ट डन, छिपा रही है हिम्मत देख ले पूरी, दर्द नहीं है मतलब आंसू आंसू नहीं है फुल, देख रहा है तू भाई दर्द तो हो रहा है पर इतनी तेज नहीं हो रहा है जितना सोचा था ना कि चीखें निकल जाएंगी। ये फर्स्ट टैटू में मैंने लोगों को सुना है कि भाई दर्द तो होता है भाई, ये तो होता है क्लीन करते हैं ओ भाई खड़ा हो जाए जाए। बातचीत तो बढ़िया है। हाँ भाई किसी तेरी फीलिंग है? फीलिंग वीलिंग कुछ नहीं है, अभी घर पे दिखाना है, घर वाले क्या बोलेंगे वो सोच रहा हूँ मैं। बढ़िया, जो सोचा था वही बना है, कुछ गलत नहीं हुआ इधर उधर। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, तू मत बताइए भाई, बनते बताए क्या कह रहे हैं लग रहा है। बनने के बात कर रहा था, आधा हो गया था, आज अब तेरी बारी। चलो नाइस टू मीट यू। अरे चल बैठ, चक्कर में तो मैंने बनवाया कि तू भी बनवाएगा साथ में। देखो ना सो तो एक का ना हो, दोनों का साथ में हो। इसने कही थी, अभी अपने घर पे जाए कह देगा मैंने कही थी। मैंने कुछ नहीं कही मेरे भाई, अपना कटवा। मैंने कही थी टैटू बनवाएंगे दोनों भाई साथ में। रिमूव कर दो इसका। रिमूव रिमूव नहीं होता भाई, रिमूव होता है नहीं होता। चल बैठ भाई, फर्स्ट टैटू मुझे तो अच्छा लग रहा है, इतना पंगेबाजी हुई नहीं, सिंपल। और भाई इसका ना मीनिंग है तो मैं पहले बता दूं, ऐसे ही कुछ भी टैटू नहीं बनवाया इसका, बहुत बढ़िया मीनिंग है, तो मैं आपको घर जाके बताऊंगा, और वैसे आप गूगल भी कर सकते, मैं ही बता ही दूंगा। वैसे बिल्कुल डिट्टो रखना कि मतलब जैसा मेरा बनाया ना बिल्कुल प्लेसमेंट ऐसे ही ऐसे। मेरा उसके लिए बना दे भाई। किसके साथ? मार्कर के साथ। मार्कर के साथ, कह रहे ब्लैक मार्कर के साथ भाई, कहीं मेरे परमानेंट करके टेम्परेरी कर दो, परमानेंट ही करना है इसके भी भाई। आ जाएगा वो हफ्ते में एक बार, कुछ ना मेरा बट्टा इसने भाई दो बार तो इसके छाप दिया, टेढ़ा वेढ़ा छप जाता है। कैसे आते हैं तेरे? क्या जावड़ी क्यों पीछे रखी है? गुदगुदी हो रही है, दर्द नहीं हो रहा? दर्द भाई सही हो रहा है, मजाक काट के हो रहा है, कुछ पता चल रहा है दर्द है? चलो भाई खींच के लो, गाड़ के लो, अंदर थोड़ी ना सुई जानी चाहिए साढ़े घर। मैं सोच रहा हूँ ऐसे में यू हाल है, ये तो NWE सब कुछ पड़ा है भाई इसमें। नहीं दर्द पता है फीलिंग में होगा, तेरी तो बहुत गंदी शक्ल बन रही है भाई, ये मर जाएगा फीलिंग में तो मर जाएगा, बीच वाले में तो बड़ी वाली एरो में तो दर्द हुआ था मेरे। तो भाई कुछ बड़ा कर रखा था यार, तो जो पीछे से सेटिंग चेंज कर रहा है चलाते और जिनी को जोनी बोल, आज तेरी तो लगी जिनी जोनी चल रहा था ना, हम करवाएंगे जोनी जोनी है पापा भाई, वहाँ पढ़ के भी बता रहा है दोनों भाई साथ चलेंगे। भाई जी पेन किलर मांग रहे हैं, साबू द ग्रेट कब मांगी
कम मांगी, अरे हरामी है क्या भाई तेरे से उम्मीद नहीं यार, मेरे जैसा बंदा मांगता बात भी सुबह भी कान लगवाता हूँ, भग जाता हूँ मैं, इंजेक्शन भी लगवाता हूँ भाई, मेरे तो इंजेक्शन की अलग ही कहानी है, बचपन में पहले बंदर ने जरोके मार दी तब लगे, आदत है ना तेरी सुई से मेरी बहुत ये वही लग रहा था मैं कि यहाँ ना बनवाया तो ठीक रहेगा, हिसाब से शिकारे ने भी तो हाथे पकड़े मेरे बटे ने ना, हाथ पे ये कैसी जगह है छुप जाएगी, ये बाकी है फिल्म बनना, ये बाकी है शक्लें बना ले ना, मजा आ जाए जैसी अब बना रहे, एक्टिंग है भाई, दर्द थोड़ी हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा, फीलिंग के बाद इतना दर्द हो नहीं रहा जितनी नौटंकी कर रहा है ना बार बार, कहाँ कर रहा हूँ, अरे यार आ रहे हैं तेरे में किसी के गुण, आ रहे हैं, हो गया भाई, सब तो हो ही गया, हो गई कार भाई, स्टैंप लग गई भाई, अब यही जाएंगे ट्रैवल पे, जिनके स्टैंप मोहर लगी होगी ना वही जाएंगे, मस्त इसकी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ऐसे होता है ब्रदर्स गोल होते हैं भाई, इस पे लगाना होगा ना क्या है बता दो, बस तुम्हें एक ऑयलमेंट दे दूंगा लगाते हैं, अच्छा और वो बेबी ऑयल वो लगाना है, वो अभी नहीं आफ्टर, और ये कब तक चिपका के रखेंगे जो आपने लगाई है, थ्री डेज तो वर्कआउट तो गया, अच्छा ये सिस्टम है हल्की से पन्नी, अरे मैं ना हल्का फुल्का ना ऐसे जो ब्लड होगा ना हमारा स्किन में जो प्लाज्मा नहीं होता येलो येलो सा, वो थोड़ा इकट्ठा होगा, थोड़ा पानी टाइप लगेगा ना जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे किसी चीज से होल मार देना, अच्छा अच्छा, और कॉटन से दबा देना वो सारा निकल जाएगा, ठीक है फिर एक दो दिन में पूरा ट्राई हो गया काम, एक नंबर फाइनली, ऐसे भी कर दो लगा दो टेप, दर्द हो रहा है, तेरे को नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ अभी तेरे फ्रेश बनाया ना, मेरे थोड़ा हो गया टाइम हो गया, तो मेरे मतलब इन्होंने तो हाथ फेरा था ना इसके ऊपर, ऐसे बढ़िया हो गया टैटू, मस्त मजेदार, चलो भाई वंस मोर बाय, नहीं मेरे फर्क पड़ता है भाई की बढ़िया फिटनेस है, ओ तेरी राहुल की आत्मा हाथ नहीं करता भाई, हाँ भाई टैटू हो गया बढ़िया, भाग के चलो घर, अभी ऑफिस जाना है फोटो खिंचवानी है वीर वर्सेस वीर पार्ट 2 के लिए, बाय भाई, देखो अर्शु देख ले तेरे डाई हार्ड फैन भाई, रियल हीरो सुधीर भैया हर्ष बेनीवाल, वाह अरे थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगा देख के, आजा तने टैटू दिखाऊंगा, सेम बना है देखा टैटू, देख नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, अबे ईस्ट तो इस साइड होता है, तूने इधर क्यों करवा लिया, अबे उधर ही होता है साले, कैसा लग रहा है दोनों का टैटू, ओए उंगली नहीं भाई, उंगली मत फेर बस, अभी ये बात नहीं हुई, ये बता टैटू कैसा लग रहा है, तुमने सेम क्यों बनाया, हमारी मर्जी, नहीं मर्जी तो है तभी बनवाया, मतलब रीजन क्या है सेम का, ऐसे बढ़िया लग रहा था दोनों बनाने, अबे तो सेम क्यों, मतलब मुझे वो जो जानना है, कोई कल्ट वो है क्या तुम्हारा ग्रुप, कल्ट अब बनाएंगे जो भी हमारे साथ, तुम्हारे ग्रुप में राहुल का भाई, राहुल रहेगा ना, राहुल रहेगा, भाग गया वो, तेरे को आना है इसमें, ये चाहिए स्टैम्प, चाहिए स्टैम्प है, मोर है, मोर हाँ, नॉर्थ ईस्ट ये एंकर है, हाँ, और बीच में कंपास, सेलर वाला वो नहीं होता वो है, हाँ, इसलिए कि तुम वो ट्रैवल से ट्रैवल फ्रीक हो, ट्रैवल फ्रीक है, इसका लॉजिक है, बहुत बड़ा मीनिंग है इसका, पता है स्माइल देख, इसे गुडविल कहते हैं भाई, बेसिकली ये गुडविल सेलर जो ये बनवाते थे ना, इसका मीनिंग होता था गुडविल के लिए, कि कभी हम जा रहे हैं तुम वापस अपने घर पहुंच सके, ये रीजन होता था, इसीलिए ज्यादातर सेलर्स एंकर वैंकर का साइन और कंपास बनवाते थे, क्या कहते हैं, हमें इस ट्रिप के बाद रियलाइज हुआ कि हमें गुडविल चाहिए, एक लड़का मिला भाई, भाई हाँ भाई मैंने डाला यार उसका भी रिकॉर्ड भी करा, उसका वॉलपेपर लगाया हुआ तेरा जैसे किसी के पास होता है ना, मिलने के लिए आता है तो पहले से पहले ही वॉलपेपर भैया आपका लगाया हुआ है, मजा आ गया, कैसा लगा गणेश जी टैटू, बढ़िया गणेश जी तो सातवें आसमान पे, रीजन कुछ और है रीजन कुछ और है, बढ़िया कुछ है बाबा, ने कल्ट ग्रुप का टैटू, फक तुमने तो कहा था तुम नहीं कराओगे टैटू वैटू, कभी करा लिया, दोनों ने सेम कराया, कैसा लग रहा है कल्ट ग्रुप का हमारा, राहुल के नहीं कराया, इनका इनका लगा खुद, राहुल के स्टैंप लगा रखी है भाई, लेकिन अच्छे लग रहे हो, बाल अच्छे लग रहे हैं, टैटू तो छोड़ो, ऐसे मेहनत ये देख रहा, तो और क्या देख रहा है यार, जैगो को देख लिया ना, इतना पूरा बॉडी कवर्ड है उसकी, कुछ नहीं बचा हुआ, राहुल के स्टैंप लगाएंगे तो
सो गाइज होपफुली आपको हमारा टैटू वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को जितनों ने अभी तक नहीं करा। एंड जल्दी हम ब्लॉग डालते रहेंगे जल्दी जल्दी एंड आपको एंटरटेन करता रहूंगा। आई से आई लव यू गाइज बाय। अच्छा है ना, वैसे बताऊंगा इसका सीन हो गया था थोड़ा बाद में।